हेलो चिल्ड्रंस, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 444 नंबर से ताजमहल का चित्र बनाना सिखाएंगे। प्यारे बच्चों, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको जो है ताजमहल का चित्र बनाना नहीं आता है तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए प्यारे बच्चों। ये मेरी 100% गारंटी है, आपको जो है 444 नंबर से ताजमहल का चित्र बनाना आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसे 4 लिखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको इसी तरह सेम प्रोसेस ऐसे करना है। एक 4 यहाँ पे लिखना है। प्यारे बच्चों, ताजमहल का चित्र बनाने से पहले आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। आपको जो है ताजमहल की स्पेलिंग कमेंट करके बताना है। और प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और है हमारा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हमने 1-4 लिखा है, 1-4 यहाँ पे लिखा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, 1-4 आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये हो गया हमारा 4 प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो गया 4-4-4। इसके बाद आपको करना क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे 1-1 लिखना होगा। 1-1 यहाँ लिखिए, इस 1 को हम डबल कर देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डबल कर दीजिएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आपको 1-1 लिखना होगा। 1-1 यहाँ लिखिए, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी ऐसे रिपीट करना है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका कोई भी सुझाव तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आपकी ड्राइंग कितनी भी गंदी हो प्यारे बच्चों, ये मेरी गारंटी है, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको जो है ड्राइंग जो है बहुत ही आसान तरीके से बनाना आ जाएगा। यहाँ पर इसको भी डबल कर देंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी इसी तरह सेम प्रोसेस आपको ऐसे रिपीट करना है। अगर आपके पास स्केल है तो स्केल का यूज जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे मैं जो है स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है प्यारे बच्चों। ये हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है, बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पे इस 4 को हमें नीचे की तरफ ऐसे लाइन ड्रॉ करना हो, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे प्यारे बच्चों। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी रिपीट करना है। और हाँ प्यारे बच्चों, आप हमें ताजमहल की स्पेलिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक लाइन आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना होगा। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सिर्फ लाइनों का खेल है प्यारे बच्चों और ताजमहल का चित्र बन जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से आपको इसको ऐसे मिलाना है प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा, एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना होगा, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए प्यारे बच्चों। फिर इसको हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हुए यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए, ये हो गया। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे ऐसे मिलाना है, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए और यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, यहाँ पे भी ऐसे बढ़ा दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे उल्टा यू लिख के यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन नीचे ड्रॉ कर देना होगा। यहाँ पे भी ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करिएगा, यहाँ पे ऐसे लाइनिंग कर दीजिए, एक लाइन यहाँ कर दीजिए और एक लाइन यहाँ कर दीजिए प्यारे बच्चों। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी ऐसे रिपीट करिए और ताजमहल की स्पेलिंग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों, इसका निर्माण किसने करवाया था, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ तक हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पे ऐसे हम डबल कर देंगे प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान तरीका। डबल करने के बाद आपको जो है यहाँ पे जो है ऐसे डबल लाइन ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे भी इसी तरह ड्रॉ करिए और यहाँ पे भी ड्रॉ करिए, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी ऐसे करिए। अब वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा प्यारे बच्चों, आप अगर हाफ छोड़ देंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे प्यारे बच्चों। ये हो गया। फिर इसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे भी इसी तरह रिपीट करना है और यहाँ पे भी ऐसे कर दीजिए। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। ये हो गया हमारा, यहाँ तक हमने कर दिया। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए, एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए, एक लाइन यहाँ छोटी सी लाइन एक यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, ये हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ पे भी इसी तरह मिला दीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। फिर यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ये देखिए प्यारे बच्चों हो गया। फिर यहाँ पे ऐसे गुंबद बन गया। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी इसी तरह रिपीट करना है। यहाँ पे एक गुंबद बना दीजिएगा और बीच वाला गुंबद जो है थोड़ा सा बड़ा रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। आप अपने पेज पर एडजस्ट मत करिएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे डबल लाइन करिए, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट करना है। यहाँ पे डबल करिए और यहाँ पे भी इसी तरह कर दीजिए। और ये जो है 4 हमने यहाँ पे जो लाइनें ड्रॉ की हैं, यहाँ पे ऐसे मिलाइए, इसको हमें यहाँ पे भी ऐसे छोटे छोटे गुंबद ड्रॉ कर देना है। ये हो गया प्यारे बच्चों। और ताजमहल कहाँ पर स्थित है, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से इसको हम ऐसे मिला देंगे, यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा, ये हमारा ताजमहल बनकर रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों।